खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, 20,176 वोट से जीती यशोदा वर्मा। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने स्वीकार की हार, कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, गुजरात के मोरबी में 108 फीट की मूर्ति का हुआ अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अहम सूत्र है भगवान हनुमान। सीएम शिवराज और भूपेश ने भी दी शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने की पूजा अर्चना, आज लहार जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रावतपुरा धाम में रविशंकर महाराज का लेंगे आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर अलर्ट, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चल सकेंगे श्रद्धालु। भोपाल में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खेड़ापति हनुमान मंदिर से जुलूस की परमिशन कैंसिल की। मध्य प्रदेश की सियासत में अब कालनेमी की एंट्री, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कहा नाथ के साथ कालनेमी की टीम भी करे भक्ति। कांग्रेस का पलटवार, कालनेमी का रूप धारण करती बीजेपी। खरगोन हिंसा को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हिंसा में प्रभावित मकानों को बनाएगी सरकार, टूटे आंशिक मकानों का भी कराएगी मरम्मत। सीएम ने कहा, अभी सरकार करेगी भरपाई, बाद में दंगाइयों से वसूलेंगे। और पखांजुर में नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की हत्या, मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र की घटना।